हेलो गाइस, आज हम हर्ट स्टॉपर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं निक सर्च कर रहा होता है LGBT कम्युनिटी के बारे में और वो गे है कि नहीं। फिर हम देखते हैं हैरी निक को इनवाइट करता है अपने बर्थडे पार्टी में और निक चार्ली से पूछता है कि हैरी की बर्थडे पार्टी में साथ में जाने के लिए, मगर पहले चार्ली थोड़ा हिचकिचाता है पर बाद में हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं चार्ली हैरी की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है और निक इंतज़ार कर रहा होता है चार्ली का बर्थडे पार्टी में। फिर दोनों मिलते हैं और साथ में सोफे में जाकर बैठ जाते हैं। निक और चार्ली कुछ देर बातें कर रहे होते हैं तभी हैरी वहां आ जाता है और बोलता है तारा जॉन्स आई है पार्टी में। हैरी फिर बताता है कि निक और तारा 3 साल पहले किस कर चुके हैं और हैरी निक को ले जाता है तारा से मिलाने। तब तारा और निक मिलते हैं, फिर थोड़ी देर दोनों बात करते हैं। तब निक और तारा दोनों एक दूसरे से बताते हैं कि अब रोमांटिक फील नहीं करते एक दूसरे के बारे में। तभी तारा निक से बताती है कि मैं लेस्बियन हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड डार्सी है। तभी डार्सी वहाँ आ जाती है और तारा को डांस के लिए ले जाती है। फिर निक सोफे की तरफ देखता है मगर चार्ली वहाँ नहीं होता और निक उसे ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं चार्ली कॉरिडोर में बेन से मिलता है और बेन उसके करीब आने की कोशिश करता है मगर चार्ली उसे धक्का मारकर बोलता है दूर रहो। फिर निक चार्ली को ढूंढते ढूंढते इमोगन से टकरा जाता है और इमोगन उसको साथ में डांस करने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर निक बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी निक की नज़र तारा और डार्सी पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रही होती हैं। ये देखकर निक बहुत खुश हो जाता है। फिर निक को चार्ली मिल जाता है। तब निक बोलता है किसी शांत जगह में चलते हैं और निक चार्ली को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर दोनों एक हॉल में जाकर साथ में बैठ जाते हैं। तभी चार्ली निक से पूछता है कि तुम्हें तारा पसंद है कि नहीं। तब निक मना कर देता है कि नहीं पसंद। फिर चार्ली निक से पूछता है कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ। तब निक जवाब देता है पता नहीं। फिर चार्ली पूछता है निक से कि तुम मुझे किस करोगे। तब निक हाँ बोल देता है। फिर दोनों किस करते हैं और काफ़ी देर तक दोनों भावनाओं में खो जाते हैं। तभी एकदम से हैरी की आवाज़ आती है और वो निक को ढूंढ रहा होता है। तभी निक वहाँ से चला जाता है। तब हैरी बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, पार्टी में चलो। फिर निक बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद निक वापस हॉल में जाता है पर वहाँ चार्ली नहीं होता। अगले दिन निक बारिश में भीगते हुए चार्ली से मिलने उसके घर आता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। हम जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।